चैप्टर नंबर 11 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक जो है वो, अगेन नाम मुझे नहीं पता क्या है, एक सेकंड देखें तो। चैप्टर 11 का नाम सॉल्यूशन कुछ होगा। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें आप ये पढ़ोगे कि ट्रिग्नोमेट्री को आपने अप्लाई कहाँ पे किया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथ का, और आजकल के जमाने में तो सैटेलाइट्स हैं, वरना पुराने जमानों में अगर आपने माउंटेन या बिल्डिंग्स की हाइट मालूम करनी होती थी तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज किया करते थे। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब इंशाल्लाह टॉपिक आएगा, उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आप लगाया करते थे या माउंटेन की हाइट मालूम करने में। अभी तो जीपीएस है तो अब तो मसला नहीं होता ये, लेकिन पहले भी बात बताई थी कि जो पुराने जमानों में ट्रिग्नोमेट्री से जो माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाली थी और जो जीपीएस से करंट जो आपको अभी हाइट पता है माउंट एवरेस्ट की, उसमें 19-20 के फर्क है। ऐसा नहीं कि आपके 100-200 मीटर का कोई फर्क होगा, कोई 30-40 मीटर के आई गेस फर्क होगा। आप लोग गूगल करोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री काफी एक्यूरेट हुआ करती थी, और उसी की बेसिस पे फिर आपने एडवांसमेंट लाए हो। जब बेसिक बात होती है उसी को एडवांस पे आप लेके जाते हो बिल्कुल। तो एक एप्लीकेशन तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की ये देख ली थी। अच्छा, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन अगर आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो जरा उस पर आते हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने उसको सॉल्व करना है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। देखो, ट्राइंगल दो किस्म के ही होते हैं, या तो एक ट्राइंगल होगा जिसको आप बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल, या आप बोलोगे ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल वो होता है जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, ठीक है? तो दो किस्म के ट्राइंगल है, या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, उसको आप राइट एंगल ट्राइंगल कहते हो। तो अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो आप उसको ऑब्लिक ट्राइंगल बोलते हो। तो जो टॉपिक हम पहली दफा जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी पढ़ने लगे, सबसे पहला टॉपिक ये है कि अगर आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जरिए से ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हो। ये एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्राइंगल जो है वो दो किस्म के हैं, एक तो राइट है और एक ऑब्लिक ट्राइंगल है। अब दोनों को सॉल्व करने के तरीके अलग होंगे। ट्राइंगल में सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल की 6 एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल के अंदर। मैंने आप लोगों को ट्राइंगल के बारे में पहले भी बताया था कि सबसे पहली चीज, ट्राइंगल को नाम देने का तरीका ये होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करते हो। देखो, मैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज नेमिंग हम नहीं करते। हमने एक कन्वेंशन रखा हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज आपने नेमिंग करनी है वर्टेक्स की। दूसरी बात, जो ए पे एंगल है उसको आप बोलते हो अल्फा, जो बी पे एंगल बनता है उसको बोलते हो बीटा, जो सी पे एंगल बनता है उसको आप बोलते हो गैमा। तो 3 एंगल्स हो गए, और ए के जो अपोजिट साइड है ये बी सी, इसकी लेंथ को आप बोलते हो स्मॉल ए। बी के सामने वाली साइड की लेंथ को आप बोलते हो स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड की लेंथ को आप बोलते हो स्मॉल सी। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपके पास यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, और 3 साइड्स हैं ए बी सी। तो अगर आपको कोई बोले कि यार ट्राइंगल को सॉल्व करो, तो ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब इन 6 चीजों की वैल्यूज मालूम करो, ये सॉल्यूशन का मतलब होगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। पहले मैं एक जनरलाइज बात करता हूँ, फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। जनरलाइज बात बच्चों ये है कि अगर किसी भी ट्राइंगल को आपने सॉल्व करना है तो इस चीज को याद में रखो, आपको गिवन क्या होना चाहिए, किस डेटा के जरिए से आप उस ट्राइंगल को सॉल्व करोगे। तो मिनिमम 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्राइंगल के बारे में 2 चीजें पता है तो आप ट्राइंगल की बाकी 4 चीजें नहीं निकाल सकते। अगर आपको ट्राइंगल की 6 के 6 चीजें मालूम करनी है तो मिनिमम 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब वो 3 चीजें क्या हो सकती हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, कि या तो आपको 3 साइड्स दे दें, वो तीनों ए बी सी मतलब जो ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ है वो आपको दे दें और बोले कि रिमेनिंग 3 एंगल्स निकालो अल्फा बीटा गामा, तो आप निकाल सकते हो आसानी से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको वो कोई भी 2 साइड्स दे दें, एक एंगल दे दें। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो 2 साइड और 1 एंगल। अगर आपको ये पता है तो रिमेनिंग 1 साइड और 2 एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आपको 1 साइड पता हो, 2 एंगल पता हो। 3 चीजें आपको पता है ना, इनकी मदद से आप बाकी 3 चीजें निकाल सकते हो, मतलब 2 साइड और 1 एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे बन सकती है, आप लोगों के जहन में आना चाहिए चौथी पॉसिबिलिटी, वो है हाँ जी, हाँ जी, तीनों एंगल्स। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इस पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। सवाल लेके डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, इसकी रीजन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स पता हो तो आप ट्राइंगल को मालूम नहीं कर सकते। मालूम करने का मतलब आप उन 3 एंगल की मदद से 3 साइड्स मालूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा लॉजिकल लेके समझो, मैथमेटिकल रीजन में जाने की जरूरत नहीं, लॉजिकली आपको बात समझ आ जाएगी। कि बिलफर्ज अगर ये एक ट्राइंगल है, कंसिडर कर लो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। अच्छा, ट्राइंगल की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं,
एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, सर्च करते रहना इसको, इक्विलेटरल। इसी तरीके से आइसोसेलेस की दो साइड इक्वल होती हैं। इसी तरह एक होता है स्केलेनी, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। और ये तो साइड के हिसाब से आपने ट्राइंगल को डिफाइन किया, मैंने एंगल के हिसाब से भी आप डिफाइन करते हो कि एक ट्राइंगल होता है एक्यूट ट्राइंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और एक होता है राइट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल ये होता है कि जिसके सारे एंगल 90 से कम है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ये होता है कि जिसका एक एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होगा और बाकी दो ऑब्वियसली 90 से छोटे होंगे। और राइट ट्राइंगल ये होता है कि जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। तो ये ट्राइंगल की 6 किस्म की इस तरह टाइप्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये आपकी बुक में आगे लिखा हुआ नहीं है, कभी काम आ जाएंगी तो इनको अपने पास नोट कर लेना। तो कहने का मतलब ये है, कंसिडर कर लो मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो टोटल आपको पता है सम क्या होता है? टोटल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है। तो अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं और सब एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री। सब एंगल ने इक्वल भी होना है और सम भी उनका 180 होना है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तो कंसिडर करो, मैं आप लोगों को डेटा दे देता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आप एक ट्राइंगल मालूम करो और उसका पहला एंगल है 60 डिग्री, उसका दूसरा एंगल भी 60 डिग्री है और तीसरा एंगल भी 60 डिग्री है। इस डेटा की मदद से आप रिमेनिंग तीन साइड निकालो। आप नहीं निकाल सकते, क्यों? ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों एंगल 60 डिग्री है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है, और पॉसिबिलिटीज बनाते जाओ। ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है। कहने का मतलब तीन एंगल से आप एक्यूरेटली ट्राइंगल मालूम नहीं कर सकते। सब में देखो तीनों एंगल 60 डिग्री है, लेकिन किस ट्राइंगल की बात की जा रही है आपको नहीं पता, क्योंकि आपको एंगल के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको बस तीन एंगल गिवन है, नहीं निकाल सकते आप। तो दैट्स व्हाई ये बात बोली जाती है कि ट्राइंगल मालूम करने के लिए जो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए उसमें से लाजमी एक साइड होनी चाहिए। एक साइड आपको लाजमी पता होगी तो आप बाकी चीजें निकाल सकते हो। तो देखो इसमें भी आपको एक साइड पता है, इसमें भी आपको पता है, इसमें भी पता है, तो एक साइड पता होना तो जरूरी है। दो साइड हो जाए तो अच्छी बात है, तीन हो जाए अच्छी बात है, लेकिन एक साइड आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि ट्राइंगल को मालूम करने के लिए ट्राइंगल के अंदर 6 चीजें होती हैं जिसको आप मालूम करते हो। उन 6 चीजों को मालूम करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, तो रिमेनिंग आप 3 मालूम कर सकते हो। उन 3 चीजों में एक लाजमी साइड होनी चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी? एक साइड दो एंगल गिवन हो, दो साइड एक एंगल गिवन हो और 3 साइड आपको गिवन हो। ये एक जनरल प्रोसीजर होता है, ये जनरल डाटा आपको गिवन होता है किसी भी ट्राइंगल को अगर आपने सॉल्व करना है। अब ये मैंने ऑब्लिक किसी रैंडम ट्राइंगल के बारे में आपको बताया है। अब अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें क्या होता है? तो बिलफर्ज अगर मैं आपको बोलूं यार एक जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात हमें कंफर्म पता होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री है। कंसीडर कर लो मैं आप लोग बोलता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल बल है 90 डिग्री। तो कहने का मतलब राइट एंगल में एक चीज तो आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, तो रिमेनिंग दो चीज आपको वो देंगे। अब वो रिमेनिंग दो क्या हो सकती है? या तो वो एक साइड और एक एंगल दे दें आपको, एक एंगल तो आपको पता ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बाकी टोटल 3 चीजें पता होनी चाहिए ना। एक चीज आपको ऑलरेडी पता है, बाकी 2 चीजों में एक साइड या एक एंगल दे देंगे या वो आपको दोनों साइड दे देंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि एक दोनों एंगल दे दें, नहीं। मैंने वही बताया, दो एंगल और ये तीसरा एंगल आप एक्चुअल राइट एंगल ट्राइंगल मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि कंसिडर कर लो इस राइट ट्राइंगल के भी 90 डिग्री है और कंसिडर कर लो 45, ये 45, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके भी 45, 45, 90 है, लेकिन दोनों की साइड में फर्क है। तो दैट्स वाई दो एंगल या तीन एंगल गिवन हो तो मसला खराब हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखो तो दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। एक तो सवाल में आपको गिवन होगा कि राइट एंगल बन रहा है अल्फा पे या बीटा पे या गैमा पे, इसके अलावा दो और पॉसिबिलिटी आपको दी जाएंगी, या तो दोनों साइड दे दी जाएंगी या एक साइड एक एंगल दिया जाएगा और आपको रिमेनिंग चीजें निकालनी होंगी। रिमेनिंग का मतलब इस पॉसिबिलिटी में रिमेनिंग क्या होंगी? दो साइड बच जाएंगी। तो ये अगर गिवन होगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा? एक साइड गिवन है ना, तो बाकी दो साइड आप लोग निकालोगे, और एक एंगल गिवन है, एक यहां पे गिवन था, तो एक और एंगल जो बचा है वो आप निकालोगे। इसी तरह इस पॉसिबिलिटी में अगर दो साइड गिवन है तो रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग एक साइड और दो एंगल आप लोगों ने निकालने होंगे। यहां तक कोई सवाल किसी का या कंफ्यूजन?
अब निकालने का प्रोसीजर क्या होगा? देखो, हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, और कहीं जगह पे आप ये चीज यूज कर रहे होगे, कहीं पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे होगे। जैसे अगर कंसीडर कर लो, आपको ये वाली पॉसिबिलिटी दी हुई है कि एक एंगल तो सवाल में आपको बोला हुआ है कि यार राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और बाकी दो चीजें क्या गिवन है, एक साइड और एक एंगल। तो अगर आप ऑल टुगेदर देखो तो आपको पहली वाली पॉसिबिलिटी में दो एंगल्स पता है, एक सवाल में गिवन था मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा और एक यहाँ पे गिवन है, तो दो एंगल आपको पता है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे क्या काम करोगे, आप तीसरा एंगल मालूम कर लोगे। जब भी आपको दो एंगल गिवन हो तो आपने तीसरा एंगल मालूम कर लेना है बाय यूजिंग दिस। दो एंगल अगर आपको पता है, आप तीसरा आसानी से निकाल सकते हो। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी में आंखें बंद करके आप जो तीसरा तीसरा एंगल जो होगा ना, वो आसानी से निकाल लोगे। जब आपके पास तीसरा एंगल आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी दो साइड आपको निकालनी है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके बाकी दो साइड जो है वो आप मालूम कर लोगे। अब मैं सवाल करवाऊंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरी पॉसिबिलिटी पे आओ, राइट एंगल ट्राइंगल की, ये मैंने ऑब्लिक के बारे में आपको बताया था कि जो राइट के अलावा कोई भी ट्राइंगल गिवन होगा आप ये कर रहे होगे। राइट एंगल की स्पेसिफिक बात करें तो एक ही बात है, वैसे फर्क तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का वो थोड़ा था तो इसलिए बताया मैंने आप लोगों को। तो अगर दो साइड गिवन हो तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप तीसरी साइड निकाल लेना। तीसरी साइड कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना, पता नहीं क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कोई भी दो साइड आपको पता हो, तीसरी आप निकाल सकते हो आसानी से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तीसरी साइड निकाल लोगे। और एंगल कैसे निकालोगे, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शन साइन कॉस टेंजेंट यूज करोगे और आप आसानी से बाकी दो एंगल जो है वो निकाल लोगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल इन विच गैमा आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। अब राइट एंगल दिया हुआ है मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, और साथ उन्होंने बता भी दिया कि एंगल कहाँ पे बन रहा है, गैमा के ऊपर बन रहा है, गैमा के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब एक चीज उन्होंने दे दी है ना, अब रिमेनिंग दो चीजें आपको वो देंगे। तो हर पार्ट में अगर आप देखो, रिमेनिंग दो चीजें आपको देनी है और इसकी मदद से जो बाकी तीन चीजें हैं वो आपको निकालनी होंगी। तो अगर आप इन सवाल को कैटेगराइज करो तो दो ही किस्म के सवाल हैं, या तो दो साइड गिवन है या एक साइड एक एंगल गिवन है। 6 पार्ट है लेकिन इनमें यही दो ही सिचुएशन मौजूद है। तो मैं आप लोगों को पहले पार्ट नंबर कौन सा करवाऊं, शुरू के 3 पार्ट में देखो दो साइड गिवन है सभी एक किस्म के, मैं पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, सवाल में गिवन था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और साथ दे दिया था उन्होंने कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, गैमा के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो ए है वो है 8 मीटर और जो बी है वो है 6 मीटर। ये आपको डेटा गिवन है। अब रिमेनिंग चीजें क्या निकालनी है जरा देख लेते हैं। गैमा गिवन है तो अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, और ए बी गिवन है तो तीसरी साइड क्या है, सी, वो आपको निकालनी है। तो ये रिमेनिंग चीज है जो आपको यहाँ पे मालूम करनी है। तो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने बोला था अगर दो साइड गिवन है तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद आप देखोगे ना बेस परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या चीजें बन रही है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम। नेमिंग आपने ये राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है ठीक है, और राइट एंगल सवाल में क्या बोला था, गैमा। गैमा अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब वर्टेक्स सी होना चाहिए, सी पे गैमा बनता है। तो आपने नेमिंग इस हिसाब से करनी है कि सी यहाँ पे आ रहा हो। अब नेमिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 तरीके से नाम दे सकता हूँ इसको, देना एंटी क्लॉकवाइज ही है, ए बी सी। इस वाली सिचुएशन में जो राइट एंगल बन रहा है वो बी के ऊपर बन रहा है। अच्छा, मैं यहां से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, ए बी सी। अब जो राइट एंगल बन रहा है वो ए के ऊपर बन रहा है, जिस सवाल में जहां पे भी राइट एंगल बन रहा होगा आप वहां पे बना देना। और तीसरी सिचुएशन क्या है, मैं ए जो है ना वो अपना स्टार्ट करता हूँ यहां से, ए बी सी। अब राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी के ऊपर बन रहा है। तो अब आपने देखना है कि राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल सी पे। तो अब नेमिंग आप इस हिसाब से करो, क्या आप इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, और इसको बोल दो सी। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग आपने करनी है, इस चीज का ख्याल रखना। तो नेमिंग कर दी आपने, उसके बाद लेबल कर लेते हैं इसको। गैमा तो आपको गिवन है 90 डिग्री, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गैमा 90 डिग्री है। अच्छा, जो ए के सामने वाली साइड होती है उसको स्मॉल ए कहते हो, वो भी सवाल में गिवन है 8। जो बी के सामने वाली साइड होती है वो भी गिवन है, जिसको आप कहते हो बी। और जो सी के सामने वाली साइड है वो आपको नहीं पता, वही तो निकालनी है, ये आपको नहीं पता। इसी तरीके से जो ए पे एंगल बन रहा है अल्फा, वो भी आपको नहीं पता, वो भी निकालना है।
और जो बीप एंगल बन रहा है बीटा, वो भी आपको निकालना है। तो पहले चीज आपने लिख के बताई थी, अब डायग्राम के जरिए से भी आपने बता दिया क्या गिवन है और क्या आपको यहाँ पे मालूम करना है। अब जरा वर्किंग पे आ जाओ। दो साइड गिवन है, तीसरी आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपने यूज करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, जो बेस और परपेंडिकुलर का वर्ड है ये फिक्स नहीं है, ये रिलेटिव वर्ड है। ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, किस एंगल के हिसाब से आप बात कर रहे हो। अगर आप बीटा के हिसाब से बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अगर आप अल्फा के हिसाब से बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। कहने का मतलब ये कि इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम में ये चीज मालूम करने की जरूरत नहीं है कि क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है, आपको इसे कोई गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में ऐड हो रहे हैं। आप किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, असल चीज है हाइपोटेन्यूस आपने सही लेना है। और हाइपोटेन्यूस क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड तो डेफिनेटली ये वाली है। जरा आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूस है सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। बाकी अब आपकी मर्जी, किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो। तो मैं अपने हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ। आप इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। असल चीज ये है कि लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या लिया, हाइपोटेन्यूस फिक्स है, बेस परपेंडिकुलर आपकी मर्जी। तो ए क्या है? एट, तो ये हो जाएगा एट का स्क्वायर। बी है यहाँ पे सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 36, जो के बराबर होता है 100 के। ये है सी स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 के बराबर। बाय द वे मैंने इसके साथ यूनिट मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि वैल्यू इसके स्क्वायर किए थे ना। आप ना लिखो, अगर कंफ्यूज होना, कंफ्यूज से बचना चाह रहे हो इस तरह लिख दो। तो अच्छा, यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो नॉर्मली हम राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल की लेंथ को। लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी। सी का आपके पास आंसर आ गया। तो देखो, जो रिमेनिंग तीन चीजें थी उसमें से एक तो आपने मालूम कर ली है। अब पीछे क्या बचे? दो एंगल, उस पे भी आ जाते हैं। अब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड बताएं। सी जो था आपको पता चल गया क्या है, 10 है। आपको मसला नहीं है, आपने क्या मालूम करना है? आपने अल्फा और बीटा मालूम करना है। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां पे ले सकते हो, आप साइन भी ले सकते हो, कॉस भी ले सकते हो, टेंजेंट भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सारी साइड्स पता है। इन तीनों रेशो में किसी में परपेंडिकुलर, किसी में बेस, किसी में हाइपोटेन्यूस आ रहा ना, आपको सब पता है। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। आप साइन अल्फा ले लो, आप कॉस अल्फा ले लो, आप टेंजेंट अल्फा ले लो, सब साइड पता है, आपकी मर्जी। तो अभी आपकी प्रायोरिटी है, आपकी पसंद ना पसंद है। मैं टेंजेंट अल्फा लेता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जब आप लोग अभी वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे ना, टेंजेंट अल्फा लिया जाएगा, क्योंकि इस सवाल में तो सारी साइड गिवन है ना। हर सवाल में ऐसा नहीं होता कि सारी साइड गिवन हो, तो दैट्स व्हाई टेंजेंट अल्फा हम ज्यादातर लेते हैं। तो मैं भी टेंजेंट अल्फा ले लेता हूँ, लेकिन आप साइन अल्फा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम बात करते हैं टेंजेंट अल्फा की। याद रखो इस बात को, ये जो बेस और परपेंडिकुलर का वर्ड बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है? कंसिडर कर लो, अगर आपका एंगल यहाँ पे है, जो भी एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर मानी जाती है, और जो भी एंगल के साथ वाली साइड है वो बेस होती है। और कंसीडर कर लो, अगर आपका अल्फा यहां पे बन रहा है, अब अल्फा के सामने वाली साइड ये है, अब ये परपेंडिकुलर होगी और अल्फा के साथ वाली साइड ये बेस होगी। ये असल में पाकिस्तान में जब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है ना, तो ये परपेंडिकुलर बेस का वर्ड यूज किया जाता है। अगर आप बाहर निकलो ना, इंग्लिश टीचर्स को देखो या बाकी को सुनो, वहां बेस परपेंडिकुलर नहीं होता, वहां पे होता है ये दो चीजें, ऑपोजिट और एडजेसेंट। ये नाम जो है ना, ये बेस्ट नाम है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री समझनी है। क्यों? बेस परपेंडिकुलर पता नहीं किसने बनाया, मुझे आज तक नहीं पता चला, बहुत फालतू नाम है ये। अब वो चल गए तो मैं भी उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। करेक्ट वर्ड ये है, क्योंकि ये वर्ड आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि किसके अपोजिट, किसके एडजेसेंट। नाम से आपको बता रहे ना, अपोजिट टू वॉट, किसके अपोजिट। तो फिर आप सोचोगे, हाँ यार, इसमें सिर्फ बेस परपेंडिकुलर नहीं होता, कुछ देखना भी पड़ता है। वो देखना क्या होता है? एंगल के हिसाब से ना। बच्चे ही समझते हुए आ रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर होती है, बेस होती है, इतना ही बताया गया उनको आज तक। तो ये अपनी तरफ से नहीं आप डिसाइड करते, आप एंगल के हिसाब से डिसाइड करते हो। तो अगर आप ये वाले वर्ड यूज करो ना, और इस तरह ट्रिग्नोमेट्री याद रखोगे, इस वाले कॉन्सेप्ट में तीन ही साइड होती है, हाइपोटन्यूज, ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो इनमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो इसमें आपको याद रहेगा अपोजिट टू व्हाट, तो आपको ध्यान में आएगा एंगल। तो अगर एंगल यहां पे बन रहा है
तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ये वाली। और अगर एंगल यहां पे बन रहा है इसकी एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड, ये वाली है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप एंगल के हिसाब से बात कर रहे होगे। लेकिन बहरहाल अगर आप ये वाला सिस्टम भी यूज कर लो तो कॉन्सेप्ट याद रखो, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर लिया जाता है, और एंगल के साथ वाली साइड उसको बेस लिया जाता है, तो कंफ्यूजन फिर भी नहीं होगी आप लोगों को। अच्छा, तो अब जरा टेंजेंट अल्फा पे आ जाओ। टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखो अल्फा है कहाँ पे, अल्फा यहाँ पे, तो अल्फा के सामने वाली साइड ये है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है, और अल्फा के साथ वाली साइड ये है बेस यहाँ पे। ए की वैल्यू है बच्चों 8 और बी की वैल्यू है 6, ये हो गया टेंजेंट अल्फा। सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा, 4/3। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, टेंजेंट ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। और माशाल्लाह कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, आराम से आप निकालना, मैं चलो निकाल के भी दिखा देता हूँ। टेंजेंट इनवर्स 4/3, तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा। अब देखना कैलकुलेटर अगर डिग्री के अंदर है तो आंसर भी आपको डिग्री के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है मुझे 53.13 आफ्टर राउंड ऑफ। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 53.13, ये आपके पास अल्फा आ गया। अब रही बात बीटा की, अब बीटा निकालने के दो तरीके हैं, या तो अगेन आप टेंजेंट यूज कर लो। टेंजेंट कैसे, आप बोल सकते हो टेंजेंट बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बीटा का परपेंडिकुलर क्या है, ये, और बेस क्या है, ये। तो टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, 6/8, क्योंकि बीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस अलग हो जाएगा ना। तो अगेन ये चीज यूज करके इस तरह बीटा आप निकाल सकते हो, लेकिन आप बेवकूफ हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इजी काम आप कर सकते हो, इजी काम ये वाला है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्यों आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हो, फिर कैलकुलेटर से निकालोगे, फिर राउंड ऑफ करोगे। बेस्ट तरीका क्या करो, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा पता है गैमा पता है, बीटा निकाल सकते हो। बीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। अल्फा यहाँ पे आया 53.13 और गैमा था यहाँ पे 90, तो निकाल लेते हैं। असल में 180 माइनस 90 तो 90 हो जाएगा ना, असल में तो आपको 90 से सब्ट्रैक्ट करना है 53.13 को। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 36.87, ये आपके पास बीटा आ गया। तो बच्चों सवाल आप लोगों का कंप्लीट, तीन चीजें आपको गिवन थी, बाकी तीन चीजें आपने निकालनी है। आपके पास अल्फा भी आ गया, चाहो तो इसको लिख देना, जो आप लोग बाद में निकालो ना उसको ब्लैक से लिख देना, बताने के लिए कि बाद में चीजें निकालनी है। ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बनाना, ताकि लिख लो अल्फा आया है 53.13 और बीटा आया है 36.87। तो इस तरीके से आप एक ट्राइंगल को सॉल्व करोगे। अच्छा, अब बाकी तीन पार्ट जो है उसमें एक साइड एक एंगल गिवन होगी, तो मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 6 करवा देता हूँ, जिसकी वैल्यूज पॉइंट में भी अजीब सी हैं। पार्ट नंबर 6 अगेन गैमा तो वही रहेगा। पार्ट नंबर 6 में आपको गिवन है कि बी यहाँ पे है 30.8 मीटर और अल्फा है यहाँ पे 41 डिग्री 50। किसी को पता है ये चीज क्या लिखी हुई है, नहीं पता। चलो मिनट ये जो आप क्या चीज, सर, मिनट्स आई थिंक। हाँ एक्सेलेंट, मिनट्स है। ये जो आप लोग ने डिग्री पढ़ा हुआ है ना अभी, जैसे 36 डिग्री लिखा हुआ हो तो बहुत बात अच्छी होती है, फॉर एग्जाम्पल 38 डिग्री लिखा हो, 58 लिखा हो, बात सही रहती है। लेकिन अगर पॉइंट में आ जाए ना कभी 58.4 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 58.4 का मतलब क्या है, कि 58 डिग्री और 0.4 डिग्री, यही मतलब है ना इसका, 58 और 0.4 डिग्री। तो हम कोशिश करते हैं 0.4 को हम मजीद ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करें कि हमारे पास पॉइंट ना आ रहा हो, ठीक है। तो अब 0.4 डिग्री का छोटा यूनिट क्या होता है, जैसे मीटर है। अब फॉर एग्जाम्पल कहीं मैं आपको बोलूं कि यार मुझे डिस्टेंस बताओ, जब अपने आप लोग कपड़े सिलवाने जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर नाप देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चेस्ट का नाप दे रहे हो अपना, तो 40 इंच आपका आ गया। 40 इंच अच्छा लगता है बोलते हुए, लेकिन अगर इसको मैं फुट में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाय 12 कर दो इसको, तकरीबन ये 3.5 फुट बनेगा। कहने का मतलब आप उसको बोलोगे 3.5 फुट, इतना अच्छा नहीं लगेगा बोलते हैं। इसी तरह अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो मीटर में तो आएगा 1 मीटर बनेगा ये। तो कहने का मतलब हम मीटर को प्रेफर नहीं करेंगे, हम इंच को यहाँ पे प्रेफर कर रहे होंगे, हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसी तरह जब आप डिस्टेंस बताते हो अपने घर से किसी और के घर का,
तो आप किलोमीटर में बताना प्रेफर करते हो क्या? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? सोचो अगर सेंटीमीटर में बता रहे हो तो 1 लाख सेंटीमीटर अजीब लगेगा वो। तो वही रीजन है कि 0.4 में हम बताते हुए अच्छा नहीं लगता। हम करते हैं कोशिश कि इसको हम इसके छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। डिग्री का छोटा यूनिट क्या होता है? डिग्री के छोटे यूनिट होते हैं मिनट और सेकेंड। याद रख लो, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। अब मैं डिटेल में कन्वर्जन में तो आप लोगों को नहीं जा रहा, लेकिन बेसिक बात यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपका जो डिग्री है वो किसी तरह उसके छोटे यूनिट में। तो ये 0.4 डिग्री है ना, इसको भी हम कोशिश करेंगे हम इसको कन्वर्ट कर दें मिनट्स के अंदर। कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या होगा कि 0.4 को मल्टीप्लाई कर देना 60 से। क्या आंसर आ रहा होगा? 0.4 × 60, तो ये आंसर आ रहा होगा 24। तो आप 58.4 को इस तरह लिख सकते हो, 58 डिग्री और 24 मिनट। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, पॉइंट से हमारी जान छुट गई भाई, 58 डिग्री या 24 मिनट है। ये वहां पे चीज काफी काम आती है जहां बड़ा प्रिसाइज काम कर रहे होते हो। वहां पे 0.4 को प्रेफर नहीं करते, वहां पे 24 मिनट्स को प्रेफर करते हो आप। तो ये कैलकुलेशन में मैटर करती हैं चीजें। इसी तरह अगर आपके पास एंगल इस फॉर्म में, पहले तो डिग्री से आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, अगर इस फॉर्म में गिवन है, अब आप डिग्री में कैसे लाओगे? सिंपल कन्वर्जन होती है कि 41 डिग्री लिखो, उसके अंदर ऐड करो। ये जो 50 मिनट है ना, 50 मिनट को आप दोबारा डिग्री के अंदर कन्वर्ट करो, तो हम डिवाइड बाय 60 करेंगे। और इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, 41 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 48.41.83 डिग्रीज। तो ये चीज इसमें थी, आपने डिग्रीज में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैटर नहीं करता, मैं कन्वर्जन आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप कन्वर्ट करो, ये कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो। कैलकुलेटर में एक बटन मिलेगा आप लोगों को, मेरे पास एक कैलकुलेटर है, इसका बटन थोड़ा इस तरफ है। केसीयू का जो दूसरा वाला मॉडल होता है उसका बटन बिल्कुल दरमियान में होता है, मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसमें नजर आ जाए, कॉमा कॉमा लगाए हुए होते हैं इसके ऊपर। ये बटन अगर आप दबाते हो ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर आप मालूम करना चाह रहे हो कॉस 41 डिग्री 50 मिनट, तो कैसे मालूम करोगे? एक तो तरीका ये कि आप मैनुअली कैलकुलेट कर लो, लेकिन आप बेवकूफ हो, जब कैलकुलेटर है तो मैनुअली क्यों कैलकुलेट करना है? तो आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, कॉस का बटन दबाओगे, कैलकुलेटर में ये चीज आएगी, आप लिखना 41, और 41 दबाने के बाद ना, मतलब लिखने के बाद आप ये वाला बटन दबा देना, तो आपको इस टाइप का छोटा सा ना बॉक्स बना हुआ आएगा। उसके बाद आप लिखना 50, फिर दोबारा ये बटन दबा देना, ये एक छोटा सा इस तरह बॉक्स बना हुआ आएगा। तो कैलकुलेटर में इसको आप कहोगे 41 डिग्री 50 मिनट, पहला वाला बॉक्स डिग्री को बताएगा, दूसरा वाला बॉक्स 50 को बताएगा। इन केस अगर मिनट्स भी हो, फॉर एग्जांपल 30 सॉरी सेकंड्स, ये चीज लिखी हुई हो, मतलब डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, तो अगेन वही करना, कैलकुलेटर में पुट करना 30, ये बटन दबाना। अब तीसरे वाले बॉक्स का मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कि सेकंड में बात की जा रही है। तो कैलकुलेटर में आप इस तरीके से आसानी से निकाल लोगे, सही है। बाकी अगर आप लोगों को शौक हो तो देख लेना, डिग्री मिनट सेकंड की कन्वर्जन आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगी। तो मजीद अगर, क्योंकि पेपर को कोई सवाल है नहीं अभी, इसलिए मैंने करवाया नहीं है, तो शौक हो तो आप लोग को सीख लेना इसको। अच्छा अब आ जाओ सवाल के ऊपर। हाँ सवाल तो लिख दिया, आपको गैमा पता है, आपको बी पता है, अल्फा पता है, मतलब एक साइड और एक एंगल, टेक्निकल तौर पर 2 एंगल आपको पता है, तो तीसरा एंगल निकालोगे, और एक साइड पता है तो आपने बाकी 2 साइड जो वो निकालोगे। सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपको 2 एंगल पता हो तो तीसरा आप खुद निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप यूज करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, 180 डिग्री है, यहां से आपने निकालना है बीटा, तो बीटा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा। अल्फा यहाँ पे 41 डिग्री 50 मिनट, गैमा यहाँ पे 90 डिग्री, तो कैलकुलेटर में एग्जैक्ट आप इसी तरह पुट करोगे, 180 माइनस 90 होता है ना, तो आप कैलकुलेटर में पुट करो 90 माइनस, इसको कैसे लिखोगे, वही 41, फिर वो बटन दबाना, फिर आप लिखना 50, दोबारा वो बटन दबाना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है, कैलकुलेटर आपको ये आंसर दे रहा है 48.167 इस टाइप का आंसर दे रहा है, मतलब वो आपको डिग्रीज के अंदर ही दे रहा है। अगर आपने इसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट करना है तो जब आंसर आ जाए, जैसे मेरे पास एक कैलकुलेटर में आंसर आ गया लेकिन पॉइंट में आ रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा वो बटन दबाऊंगा, तो अब कैलकुलेटर मुझे वो डिग्री मिनट में कन्वर्ट करके देगा, तो 48 डिग्री 10 मिनट। अगर किसी को बातें समझ नहीं आई तो आप लोग बाद में ही पूछ सकते हो, मैं बहुत डिटेल में नहीं है बता सकता कैलकुलेटर की। बीटा आपके पास आसानी से आ गया, तो रिमेनिंग एक साइड जो है वो आपने मालूम कर ली। यहाँ पे आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं।
अच्छा जी, अब एंगल अगेन वही गैमा पे बन रहा है तो हम यही नेमिंग करेंगे। गैमा आपको पता है 90 डिग्री। अच्छा, और आपको क्या पता है? बी के सामने वाली साइड बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। अच्छा, आपको यहाँ पे बी पता है 30.8 मीटर, आपको अल्फा पता है 41 डिग्री 50 मिनट, बीटा आपको निकालना है एक तो, और सी आपको निकालना है, और आपको ए निकालना है। तो बीटा आपने निकाल लिया, इसको हम ब्लैक से लिख लेते हैं, 48 डिग्री 10 मिनट। अब रह गया दो साइड ए और सी। अब इन दो साइड को मालूम करने के लिए आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करोगे। अब देखो, आपने ध्यान से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको ए की साइड पता है, तो आप वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे जिसमें ये वाली साइड आती हो। लाइक, कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पे बीटा निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटन्यूज है। तो आप कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज ना करना जिसमें हाइपोटन्यूज और बेस आ रहा हो, क्योंकि दोनों नहीं आपको पता। क्या करोगे आप? तो आप वो वाला यूज करो जिसमें बी आता हो। तो बी किस में आएगा? या तो साइन में आएगा, मतलब परपेंडिकुलर किस में आएगा, या तो साइन में आता है या टेंजेंट में आता है। तो बीटा, बीटा तो खैर आपने निकाल लिया। दोबारा बताता हूँ, मैं किसी और एंगल से बात बता रहा था कि बिल्कुल, अगर आपने ए निकालना है तो आपने वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसके अंदर ए आ रहा है। सीधा कर लो, आप यहाँ पे एंगल लेते हो बीटा, और आप लिखते हो टेंजेंट बीटा जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। बी आपको पता है, ए आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह बिल्फर्स बीटा पे अगर आप साइन बीटा यूज कर लो तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटन्यूज क्या है यहाँ पे? सी। बी आपको पता है, सी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इन दोनों मेथड से आप ए और सी निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने बीटा पे यूज कर लिया कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस बीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। बेस है ए, हाइपोटन्यूज है सी। कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, ना ए पता है ना सी पता है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर कोई साइड, फॉर एग्जाम्पल ए आपने साइड निकालनी है, तो वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो जिसमें ए आ रहा है और बी आ रहा है, तभी आसानी से ए निकाल लोगे ना। और अगर आपको सी यूज करना है तो आप वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो जिसमें बी आता हो या सी आता हो। इस तरीके से आप मालूम करोगे। तो बाला, सबसे पहले ए को निकालते हैं। ए को निकालने के लिए मैंने बताया दोनों तरीके हैं, टेंजेंट बीटा भी, बल्कि टेंजेंट बीटा ही आप यूज कर सकते हो। टेंजेंट बीटा में ए आ रहा है, तो यहाँ पे आप यूज करो टेंजेंट बीटा। अच्छा, आप अल्फा के हिसाब से भी एंगल निकाल सकते हो, लेकिन भाई अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस अलग होंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं बीटा के हिसाब से ही निकाल रहा हूँ। तो टेंजेंट बीटा यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है बी और बेस है ए। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। बीटा है यहाँ पे 48 डिग्री 10 मिनट, बी है यहाँ पे 30.8, आपको निकालना है ए। तो ए सिंपल कैसे आएगा? ए को उधर ले जाओ, टेंजेंट को उधर ले आओ। तो कैलकुलेटर में पुट करो, 30.8 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 48 डिग्री। तो कैलकुलेटर यहाँ पे आंसर दे रहा है 27.57 आफ्टर राउंड ऑफ, सॉरी मीटर। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई है। तो ए निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ए के तरीके आप यहाँ पे टेंजेंट यूज करोगे। अगर मैं बीटा के हिसाब से बात करूं, इसमें और इसमें ए निकाल नहीं सकते। इसमें तो ए आ ही नहीं रहा, इसमें ए आ रहा है लेकिन वो सी के साथ आ रहा है, सी भी नहीं आपको पता। तो ए निकालने के लिए आप जस्ट टेंजेंट बीटा ही यहाँ पे यूज करोगे। अब जबकि आपके पास ए आ गया, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको सी निकालना है। तो अब सी के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? अगर मैं बीटा के हिसाब से बात करूं, सी के लिए आप कुछ भी यूज कर लो। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको बी पता है, आप सी निकाल लोगे। आप ये वाला फॉर्मूला भी अब यूज कर सकते हो क्योंकि अब आपको ए पता चल गया ना, तो आप यहाँ से सी निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना क्योंकि इसमें सी आता ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम साइन थीटा वाले यूज करते हैं। पेपर में नीचे वर्किंग करनी है आपने सारी। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका भी है आपके पास, आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो अगर चाहो आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको अब तीन, दो साइड पता चल गई है ना, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। तो चलो, हम एक काम करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर लेते हैं। साइन वाला फंक्शन भी यूज कर सकते थे, लेकिन पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो। पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटन्यूज यहाँ पे सी है, बराबर होगा वही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 27.57 का स्क्वायर प्लस बी क्या है? 30.8 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर में आपने डायरेक्ट इनके स्क्वायर करने हैं, फिर ऐड करना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, ये फॉर ही नहीं काटना।
राउंड ऑफ कर करके थक जाओगे आप। और अगर राउंड ऑफ नहीं करोगे, देखो दो तरीके होते हैं, या तो कैलकुलेटर में जो आंसर आया उसको आमतौर पर बच्चे डायरेक्ट काट के लिख देते हैं, जैसे 28.57, वो 7 के बाद देखेंगे नहीं क्या आ रहा है, राउंड ऑफ नहीं करते, बस वो काट के लिख देते, जो शुरू के 2-3 डेसिमल आ रहे होते हैं ना उसको हम कहते हैं ट्रंकेट करना। तो वो करोगे आंसर आपका फिर थोड़ा करते एंड पे थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। इसमें बेहतर ये है कि डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में पुट करो ये वाली चीज, डायरेक्ट सी स्क्वायर रूट पिक करना और ये वैल्यू, मतलब असल में सी निकालने का तरीका क्या है, अगर आपने सी निकालना है तो इस तरीके से निकालोगे ना, स्क्वायर रूट लेते हो, तो डायरेक्ट ये चीज आप कैलकुलेटर में पुट करो ताकि आपको एक दफा ही आंसर मिले, उसी को आप राउंड ऑफ कर लो। तो 27.57 का स्क्वायर प्लस 30.8 का स्क्वायर, डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा 41.34 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ये आपके पास बच्चों तीसरी साइड भी आ गई, सवाल आपका कंप्लीट, सी आ गया 41.34। इस तरीके से आपने राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है। बच्चों दोनों केसेस मैंने बता दिए, डिटेल कॉन्सेप्ट भी सारे डिस्कस कर लिए, कोई सवाल है पूछ लो।